ये जो अपराधी है बहुत ही सक्रिय अपराधी है, ये लूट और हत्या के मामलों में फरार चल रहा है। 29 तारीख को जो माधोगंज थाना क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी, और उसके बाद महाराजपुरा थाना क्षेत्र में जो चैन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, दोनों ही घटनाओं में फरार था और इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसकी गिरफ्तारी के लिए आईजी साहब के द्वारा 20,000 रुपये का नगद इनाम की घोषणा की गई थी। माधोगंज थाने की टीम, माधोगंज थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर इसको अरेस्ट किया है। लेट नाइट इन्फॉर्मेशन थी कि ये ट्रांसपोर्ट नगर तरफ जाने वाला है शंकरपुर स्टेडियम से, तो उस सूचना के आधार पर ट्रैप लगाया गया। जब इसको गिरफ्तारी के लिए चैलेंज किया गया तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी को फायर किया गया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई और जिसके कारण इंजर्ड हुआ है। इमीडिएटली इसको यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए हैं और जीएच हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया है। कौन सा ये आरोपी है, क्या नाम है इसका? देखिए, ये आरोपी मयंक भदौरिया है, मूल रूप से बाहा का आगरा का रहने वाला है। वर्तमान में कालपी ब्रिज क्षेत्र में रह रहा था। ये जो पिछले दिनों जो घटना हुई थी उसमें मुख्य आरोपी था। घटना के दौरान इसके द्वारा मोटरसाइकिल चलाई जा रही थी, तो इसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग हत्या के मामले में, लूट के मामले में प्रयास कर रहे थे। लगभग कितने क्या फायर हुए थे इसमें? देखिए, अभी ये सारे डिटेल्स क्योंकि अभी स्पॉट पे हैं और हमारी फॉरेंसिक टीम और बाकी टीमें काम कर रही हैं, सारे डिटेल्स बाद में शेयर करेंगे। ये एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। जो क्राइम रिकॉर्ड इसका है, कानपुर में डकैती के मामले में दर्ज हुए हैं इस पर। इसके अलावा पूर्व में लूट के अपराध दर्ज हुए हैं। ग्वालियर जिले में 29 तारीख को जो हत्या की घटना माधोगंज थाना क्षेत्र में हुई थी उसमें फरार था। उसके बाद महाराजपुरा थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना हुई थी उसमें फरार चल रहा था। अभी तक इसमें हत्या के अपराध में जो 3 आरोपी थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा भी यदि कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी में या अन्य तरीके से इन्वॉल्व होगा तो इनसे पूछताछ की जाएगी और आगे कार्रवाई होगी।